रुक जा भैया को मत दिखा, भैया कह रहे नहाऊंगा मैं तब दिखाइयो। ओ यहाँ पे रेनबो भी बन रहे, मुक्की भाई खुश होते हुए। अबे अब लग रहा है ना अटेंडेंस। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से टाइगर फॉल की तरफ। हमने सोचा आपको टाइगर फॉल दिखाते हैं। तो हम निकल चुके हैं चक्राता मार्केट से और अब चलते हैं टाइगर फॉल की तरफ। हम पहुँचने वाले हैं टाइगर फॉल। व्यू तो यहाँ का भी बहुत प्यारा है। रोड थोड़ी पतली है पर कोई दिक्कत नहीं, देखते रहिए बस। बस कुछ ही देर में सनसेट होने वाला है। आगे देख सकते हैं कितना प्यारा पहाड़। टाइगर फॉल 9 किलोमीटर। भाई मोटर व्लॉगिंग करने में जो मज़ा आ रहा है ना, मतलब अभी एक्सपीरियंस नहीं है तो इतना नहीं कर पा रहा, पर मज़ा तो आ रहा है। करते रहेंगे तो एक्सपीरियंस बनता रहेगा, फिर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी जो कि आप देखोगे भी नहीं। क्या बढ़िया था गुरु। सो गाइस यार सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो में कमेंट करो और सब्सक्राइब तो कर ही लो यार, इतना कर रहा हूँ सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। फिर आप कमेंट बॉक्स में जो जो जगह बोलेंगे हम वहाँ भी जाएंगे, अगर होगी, अगर जहाँ वहाँ हम जा सकते हैं तो ज़रूर जाएंगे। तो अगर आपको कोई जगह देखनी है या आप चाहते हो कि हम जाएं तो कमेंट में बताइए कि हम कहाँ जा सकते हैं, हमें भी अच्छा लगेगा कि भाई लोग सपोर्ट कर रहे हैं। भाई लोग ऐसी जगह देखनी है और हम दिखा पाए तो। और बीच में एक जगह पड़ी थी, वो बड़ी प्यारी थी, शूट हम इसलिए नहीं कर पाए वहाँ का क्योंकि वो मिलिट्री एरिया था, तो मिलिट्री एरिया में शूट करना वहाँ पे मना था। तो चाहते तो हम छुप के कर सकते थे पर, लेकिन बात यह है कि यार वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात खड़े रहते हैं, हमारे देश के लिए इतना सोच रहे हैं, और जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं वो कुछ सोच समझ के ही बनाए होंगे, तो हम उन रूल्स को क्यों तोड़े। तो इसलिए मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई। और आप लोग भी कभी ऐसा ना करें, अगर कहीं पे नहीं है मना है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो हमको अभी रात हो चुकी है तो हम टाइगर फॉल नहीं जा रहे, तो यहाँ पे एक मार्केट है, हम यहीं पे रुक रहे हैं, ये रहा रूम, हम आज यहाँ रहेंगे। तो मैं भैया से मिला लेता हूँ आपको। भैया को मत दिखा, भैया कह रहे नहाऊंगा मैं तब दिखाइयो। अरे अच्छा लगेंगे। ये रहे भैया, भैया आपका नाम क्या है? रणवीर। भैया का नाम रणवीर है। भैया मार्केट कौन सा है? क्या कौन सा? दवापुल। ये दवापुल मार्केट है और ये भैया का यहाँ पे रूम है। बहुत बहुत धन्यवाद यार भैया, भैया ने हमको बहुत अच्छे से दिया। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये असली है, मैंने हमारी मजदूरी समझी, और ऐसा कोई नहीं है यहाँ जिसने हमारी मजदूरी समझी हो, यहाँ पे भैया ही है। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप कभी यहाँ पे आओ तो भैया के यहाँ जरूर आना, भैया आपकी पूरी मदद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना। रूम भी अच्छे हैं, बिल्कुल साफ सुथरे एकदम, चकाचक है। रूम भी देखोगे क्या? रूम भी देख लो आप, रूम दिखा देंगे रात को। और हट जा, चलो भाई देखो अपने क्या। और भैया से फिर मिलते हैं जब भैया ना जाएंगे, फिर भैया का अच्छे से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ठीक है भैया मिलते हैं, थैंक यू आपका बहुत बहुत। चाबी दे दे। सो हेलो भाई लोग, अब हम उठ चुके हैं, सुबह हो चुकी है और अब हम निकल रहे रूम से। ये रहा रूम, सही रूम था और सबकी नींद पूरी तो नहीं हुई है क्योंकि हमारे साथ थे गोकुल भाई जिन्होंने हमें सोने नहीं दिया, और मुक्की भाई, इन्होंने हमें बिल्कुल भी सोने नहीं दिया है, इन्होंने हमारी पूरी रात ख़राब किया है, पर कोई बात नहीं। तो अब चलते हैं टाइगर फॉल की तरफ क्योंकि कल तो जा नहीं पाया, कल अंधेरा हो चुका था, तो अब निकलते हैं। तो हमारी पैकिंग हो चुकी है, ये रहे दोनों हेलमेट, एक हेलमेट इसके हाथ में, और आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं ज़रा। और बड़ी ही प्यारी जगह थी ये अपना बाथरूम,
और ये नदी जा रही है, नदी बोलेंगे इसको, यही जा रही है टाइगर फॉल की तरफ। ये हम निकल चुके हैं अब रूम से और देखते हैं गाड़ियाँ, देखते हैं पहले अपनी। हाँ तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का, और ये रही हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई थी, और अभिषेक भाई इनको बाहर निकालेंगे अभी। भैया से लेते हैं अलविदा। ठीक है भैया, बाय। भैया बहुत अच्छे थे, तो भैया ने हमारी बहुत मदद की। कोई नहीं, अब चलते हैं अपने सफ़र में, पूरा करते हैं जो हमने कल आधा अधूरा छोड़ दिया था। और भाई लोग तैयार हो चुके हैं यहाँ पे, ये रहा मार्केट, और यहाँ पे एक छोटी सी नदी बोल सकते हैं, और गांव में तो खैर गजेरा बोलते हैं, तो जो भी है वो भी है यहाँ पे। और अगर आपको सामने दिख रहा होगा तो एक घर के नीचे से पानी निकल रहा है, तो ये क्या है, ये चक्की, यहाँ पे चक्की है शायद, जो पुराने टाइम पे चलती थी, पानी की वजह से जब फोर्स बनता है नीचे, इसकी वजह से चक्का घूमता है। तो ये पुराने ज़माने की चक्की है, ये देखने को नहीं मिलती अब, क्योंकि अब तो मॉडर्न ज़माना आ चुका है, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती नहीं है। तो भाई ऐसी जगह ये चीज़ें देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। बाकी आप नज़ारा देख ही सकते हैं, घर देखिए आप कैसे हैं, पुराने पुराने अच्छे से। शेरू आ जा, ये हमने नया दोस्त बनाया है यहाँ। ओए। तो दोस्तों अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, और ये हमारी धन्नो, तो बड़ा ही प्यारा सफ़र होने वाला है आज का। आज आपको टाइगर फॉल के ऊपर ले चलते हैं, और यहाँ पर देखिए बोर्ड है, यहाँ पर लिखा है 9 किलोमीटर्स, तो 9 किलोमीटर दूर है, थोड़ा सा रह गया, तो चलो देखते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए आप, बहुत ही प्यारे प्यारे होम स्टे हैं, और छोटे छोटे से रूम्स बना रखे हैं हमने, आप आए तो यहाँ रह सकते हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादा महंगे दो नहीं, 2-3 हज़ार दिए होंगे। और गोकुल भाई बोर्ड से कि टाइगर फॉल में सुबह सुबह नहाएंगे, पानी मिलेगा, कोई ना कोई तो कैसे नहीं कर रहा होगा ऊपर से। तो ये है टाइगर फॉल, मतलब जो पानी जा रहा है। तो यहाँ बहुत ही बहुत सारे होटल्स हैं, इधर आपको कहीं भी स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर स्टॉप कलेक्ट योर टिकट, यहाँ इस जगह से हमें 1 किलोमीटर ट्रैक कर सकते हैं, मतलब पैदल, और 2.5 किलोमीटर यहाँ से बाइक वाला रास्ता है जो आगे रोड जा रही है। तो हम सोच रहे हैं कि पैदल ही चलेंगे, बाइकें हमने खड़ी कर चुकी हैं, और यहाँ से ट्रैक का रास्ता है पैदल, और बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ का। तो आए है, अब हम यहाँ चाय पियेंगे, और नीचे का टिकट हमने ले लिया है। यहाँ पर बंदा 30 रुपये चार्ज पड़ता है, और पार्किंग का 20 रुपीस पर गाड़ी। बिस्किट खा लो। बिस्किट खा लो गाइस। तो यहाँ पे है टी ब्रेक, अब थोड़ा चाय पियेंगे, चाय की प्याली लेंगे, और आपको तो पता ही है पहाड़ी और चाय कितना बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जब तक पहाड़ी चाय ना पी रहा था उसके पैरों में जान नहीं आती, और 1 किलोमीटर जाना है तो चाय तो पीनी पड़ेगी ना मेरी जान। ना मेरी जान। So, चाय है रेडी, बिस्किट भी है रेडी, और अभिषेक भाई भी है रेडी, बंद काटते हुए। खाने के लिए सब रेडी, खाने के लिए सब रेडी, हम तो रेडी। क्यों आई, और पैसों की कमी होने के कारण हमें बिस्किट खाने पड़ रहे हैं नाश्ते में, और चाय पीनी पड़ रही है, वो भी हमें महंगी लग रही है। सो भाई लोग देख सकते हैं आप, लोकेशन कितनी प्यारी है, और अब हम यहाँ से ड्रोन उड़ाएंगे और आपको थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट्स दिखाएंगे। और नीचे देख सकते हैं आप, हमको वहाँ जाना है बिल्कुल नीचे, यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे, और भैया लोग दिखे हमको रास्ते में। हाय भैया, कहाँ से हो आप? चंडीगढ़। ओ भैया लोग चंडीगढ़ से आए यहाँ घूमने के लिए, तो आप भी आइए, भीड़ बढ़ाइए, थोड़ा घूमिए। चैनल भैया माउंट फिल्म्स। तो अभी ड्रोन उड़ाते हैं और दिखाते हैं आपको। क्या बोला तूने? पूछा जरूर है, पहले सब्सक्राइब नहीं करें।
साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठने के लिए भी बनाया गया है, कोई थक जाए तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। और बड़ा ही प्यारा बनाया है और यहाँ पे कूड़ेदान भी है, तो अगर आप आएँ तो कूड़ा कृपया कूड़ेदान में फेंकें, यहाँ गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि ये हमारा ही उत्तराखंड है, हमारा ही देश है, तो यहाँ गंदगी करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, तो कृपया कूड़ा ना करें बस। और राहुल भाई कुछ करके दिखा रहे हैं कि और देखो ये है बारिश से बचने के लिए और ये बैठने के लिए, पर इसके ऊपर आई नहीं भाई। तो क्या नाचो भाई? और ड्रोन भी उड़ रहा है। ओ हमको मिल चुकी है बड़ी प्यारी लोकेशन, रापचिक मुंबई सपनों का शहर। ओह लोकेशन बड़ी प्यारी है, ड्रोन भी उड़ रहा है साथ साथ में, ब्लॉग भी बन रहा है। तो यहाँ पे भाई लोगों की नाचने की तैयारी है। अब व्यूज तो चाहिए, अब राहुल को फेंक सकते हैं यहाँ से नीचे, तभी मिल सकते हैं व्यूज। राहुल को यहाँ से नीचे फेंकने की बात कर रहे हैं हमारे मुक्की भाई। तो गाइस क्या बोलते हो, अगर फेंकना है तो कमेंट कर दीजिए फटाफट, जैसे ही 100 कमेंट होंगे वैसे हम राहुल को यहाँ से नीचे फेंकेंगे। शर्म करो, भगवान से डरो। भाई लोग अगर आपको यहाँ रुकना है तो यहाँ पे रिज़ॉर्ट भी हैं, अच्छे अच्छे रिज़ॉर्ट हैं, बड़े प्यारे प्यारे हैं। और रास्ता आप देख सकते हैं, रास्ता भी सही है, ऐसा ख़राब नहीं है जिसमें चल ना सके कोई। और है अभी 1 किलोमीटर नीचे है, 1 किलोमीटर नीचे जाना है, फिर वहाँ से ऊपर भी आना है, भाई मेहनत तो लगेगी। बाइक का रास्ता भी था पर हमने कहा बाइक की बाइक बहुत होगी, आप थोड़ा पैदल भी चलते हैं, आपको ही मज़ा आएगा हमको ही मज़ा आएगा, तो चलते हैं। सो भाई लोग हम पहुंच चुके हैं नीचे रोड पे, जहाँ पे गाड़ियाँ लास्ट आती हैं उसके बाद पैदल ही जाना पड़ता है। तो और यहाँ पे रास्ता देख सकते हैं आप, इतना पतला रास्ता है और नीचे छोटी सी नदी। और हमारे जो अभिषेक भाई हैं वो तो पता नहीं कहाँ पीछे छूट गए, बोल रहे कि तुम चलो मैं आ रहा हूँ। हाँ तो यह है रास्ता, देखिए ये रास्ता है और ये छोटी सी नदी है और हमें जाना है अभी वहाँ से आगे। सो चलते हैं, अब तो थोड़ी गर्मी लग रही है, मन करेगा तो डुबकी भी मारेंगे। और देखिए क्या प्यारा बनाया हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। और ये भाई लोग आ रहे हैं, हमारे गोकुल भाई, हमारे रोहित भाई, हमारे मुक्की भाई और ये राहुल भाई, ये एमसी स्टैंड के सबसे बड़े फैन, पी टाउन बेबी, प्लीज़ डू नॉट लिटर है। सो हाँ मज़ा तो आ रहा है, थक भी लग रही है। जल्दी आ जा। और यहाँ पे लिखा है देख लीजिए साफ साफ, शराब पीना मना है, पकड़े जाने पर 5,000 रुपये जुर्माना या 1 वर्ष की सज़ा हो सकती है। सो शराब लेकर ना आए यहाँ पे, यहाँ पे बिल्कुल मना है।
तो जब मना है तो क्यों ले जानी यार फालतू में। सो यहाँ पर एक और पुल आया है, लकड़ी का पुल, पहली बार देख रहा हूँ। ये है, देख सकते हैं, बड़ा प्यारा है। ये पर्ची है, यहाँ आए तो पर्ची लेकर आए ऊपर से, और ना भी लाए तो ऐसे मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं। ओह अब तो भाई इंतज़ार नहीं हो रहा भाई, पसीना पसीना हो रहा है। अब तो जाऊँगा और सीधा डुबकी मारूँगा। हो आगे देखिए, ये टाइगर फॉल है कि क्या है। हाँ ये टाइगर फॉल है, हम पहुँच चुके हैं टाइगर फॉल में। और राहुल भाई एक्साइटेड हो चुके हैं। ओह हो वाह 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 वाह। यहाँ पे रेनबो भी बन रहे, मुक्की भाई खुश होते हुए। ओ रेनबो अगर आपको दिख रहा होगा तो ये रेनबो, और देख सकते हैं आप, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे फिसलन भी है तो आराम से चले, फिसल फिसल सकते हैं। और देखिए हम पहुँच चुके हैं टाइगर फॉल, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो कैसा लगा? ऊपर दिखा दिया भाई, यार ये तो छेद कर देगा बॉडी में। क्या कर देगा ये? छेद कर देगा। क्या बोल रहे हैं? छेद कर देगा बॉडी में। और जन्नत। अब इस जगह को बोलते हैं बाय बाय बाय। तो अब चलते हैं अपनी अगली मंजिल की ओर। तो देखते हैं, सोच रहे हैं कि मासू देवता चलते हैं, आपको मासू देवता दिखाते हैं। तो यहाँ से चलते हैं मासू देवता, यहाँ से बाय बाय तो कर ही लिया है, तब चलते हैं मासू देवता की तरफ और दिखाते हैं आपको मासू देवता। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नए नए ब्लॉग।